आज सुन ले तू हुड़के की थाप। मेरे पहाड़, मेरे पहाड़, मेरे पहाड़, मेरे पहाड़, मेरे पहाड़। बुजुर्ग किसी ने मतलब इस प्रकार का कोई वही नहीं था। बताइए, इतना सुंदर संदेश लेकर के आप यहाँ आए हैं। मैं तो इसी वाक्य से क्रिएटिव उत्तराखंड, रचनात्मक उत्तराखंड, रचनात्मक छू। मनुष्य की यात्रा है पूरी, विकास की यात्रा है इस शब्द के भीतर, और आगे निरंतर रचना होती जानी है इस संसार में। यह संसार तो बड़ा दूषित कर दिया है अरचनात्मक लोगों ने, उनका तो जवाब ही यही था। तो मित्रों, मैं नहीं रोक पाया, इसलिए मैंने चारू से कहा कि शुरुआत मैं करूंगा। अब जब तुमने बिठा दिया है तो मैं ही शुरुआत भी करता हूँ। जिस लगन से, जिस भावना के साथ तुम लोग यहाँ आए, बल्कि मैं हल्फिया कहता हूँ तुम लोगों के सामने, हल्फिया कि मैं तल्लीताल, अगर ऐसा मालूम होता कि तुम इस रूप में आ रहे हो तो हम लोग तुमको वहां हनुमानगढ़ी के मंदिर में खड़े मिलते, हम तुम्हारा स्वागत करते, इस रचनात्मक चेतना का स्वागत करते। भाई के लिए जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को नमन करते, हमको ऐसा नमन करते हैं। हम वहाँ मौजूद नहीं रह पाए क्योंकि करना भैया दुनिया को बनाता तुम्हारे दिल के, तुम्हारे दिमाग लेकर आज ये इसी मनुष्य ने किया है। भावनाएं जब दिल में तुम्हारी इतनी बड़ी पीड़ा पैदा हो गई है तो तुमसे दिल ही की बात करता हूँ, दिमाग को किनारे रख दो। बहुत सुंदर लग रहा है मुझे, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ इस बात को। दिल लगाने में वक्त लगता है, बात तो दुख छू, बस दिल लाग जाओ। जहां दिल अगर लाग गए हो, दिल आप बाबा हो, दिल छू सब कुछ छू, विधर सारा ब्रह्मांड विधर नहीं छू। दिल लगाने में वक्त लगता है, डूब जाने में वक्त लगता है। हवाई जहाज उन्हीं बात छू, मनुष्य विकास यात्रा छू, लेकिन डूब जान मंदूब लगू आप बाबा हो। ध्यान की किसी को समुद्र में भीतर निकाओ, आई निकाओ तय भीतर दे आप बाबा हो। समुद्र मनसन जा रूपक हमारे सामने से, तो दिल लगाने में वक्त लगता है, डूब जाने में वक्त लगता है। वक्त जाने में कुछ नहीं लगता, वक्त जाने में कुछ नहीं लगता, वक्त आने में वक्त लगता है। तो मित्रों, इतने सचेत तुम लोग हो कि वक्त की रफ्तार को सही समय पर ये कदम उठा रहे हो, तो वक्त की नब्ज तुमने पकड़ी। वक्त जाने में कुछ नहीं लगता, 6 साल बीत जाएंगे उत्तराखंड बने हुए, कितने साल बीत गए, ऐसे प्रोफेसर बैठे हैं जिनके सामने तो मुझे बोलने की तमीज ही नहीं, ये बताएंगे इतने साल बीत गए हिंदुस्तान की आजादी के, जहां था वहीं का वहीं रुक गया देश। तो तुम टेन पर नब्ज पकड़ दे रहे हो मरीज की, इसलिए यारो तुमसे तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए मेरे पास कहने को शब्द नहीं, और मैं आज अंतर मन से तुम्हारे सामने स्वीकार कर रहा हूं कि इतना संतोष हो रहा है मुझे तुम सब लोगों को यहां पर देखकर। मैं बैठ पाऊं तुम्हारे साथ उतनी देर तक ना बैठ पाऊं, मैं तुमसे उतनी सब चीजें कह पाऊं नहीं कह पाऊं, लेकिन मैं अगर उठकर इधर उधर चला भी गया मुझे क्षमा करना। इस आने वाली चेतना का विपुल संपदा संपन्न इस पहाड़ में हम स्वागत करते।
ये पहाड़ तुम्हारा है, इसको संभालो। क्यों संभालो? ये पहाड़ कालिदास का भी है, ये पहाड़ सिर्फ उत्तराखंड का नहीं है, हिमालय सिर्फ हमारा नहीं है, हिमालय सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं है, हिमालय सिर्फ एशिया का नहीं है, हिमालय पूरे विश्व का है और विश्व हिमालय से प्रभावित होता है। ऊंचा पहाड़